बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ सिद्रा शाहिद। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ सिम टीचिंग जॉब्स टेस्ट प्रिपरेशन जीएसटी पीएसटी एचएसटी 2021 के हवाले से। इस तरह के क्वेश्चंस टेस्ट में आते रहते हैं और ये वीडियो प्राइमरी क्लासेस के स्टूडेंट्स क्लास फोर से लेकर क्लास सिक्स सेवन एट तक के बच्चों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स, और उनकी मदर्स के लिए भी वीडियो उतनी ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइमली मिल जाएँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, हमने कुछ इस तरह का काम किया था कि हमें बताना था कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर लेस है। कि जैसे 2/5 थी एक फ्रैक्शन हमारे पास और 1/5 दूसरी फ्रैक्शन थी। मैं इस वीडियो में पुरानी वाली वीडियो का लिंक दे दूंगी जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था 3/8 में से और 5/8 में से कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर लेस है, ठीक है स्टूडेंट्स। और 3/5 इस तरह का मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन उसमें क्या था, डिनोमिनेटर्स हमने बात की थी कि डिनोमिनेटर सेम थे। अब हम बात कर रहे हैं चेंज डिनोमिनेटर के साथ में ना, ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 है, 3/4 है डिनोमिनेटर और 4/7 में 7 डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के साथ में हम किस तरह बताएंगे कि कौन सी वाली फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी वाली फ्रैक्शन छोटी है, तो आज यही कुछ हम अपनी वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 3/4। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है दोनों में से, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस का तो बहुत आसान होता है, मैंने आपको बताया था जिस तरह से, आप पुरानी वीडियो भी कंसीडर कर लोगे, ठीक है। लेकिन अनलाइक फ्रैक्शंस का थोड़ा सा लंबा हो जाता है प्रोसेस क्योंकि डिनोमिनेटर्स चेंज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं बताऊंगी क्योंकि लंबे प्रोसेस का टाइम नहीं होगा आपके पास टेस्ट में। हमने दोबारा से अपना क्वेश्चन लिखा 3/4 विच नंबर इज़ ग्रेटर। हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा नंबर स्मॉल है। अब हमने क्या किया, पहले वाली फ्रैक्शन को लिया। पहली वाली फ्रैक्शन कौन सी, इसको हम फ्रैक्शन 1 का नाम देते थे और इसके हम फ्रैक्शन नंबर 2 का नाम देते हैं। फ्रैक्शन नंबर 1 ली हमने, 3/4 है, ठीक है। इज इक्वल टू का साइन लगाया, एक बड़ा सा हमने डिवाइड का साइन लगाया। 3/4 हमने वैसी का वैसी लिखा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई के साइन लगाए, ठीक है। अब 3/4 है, अब इसके सामने जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर क्या है, उसका डिनोमिनेटर है 7। 3/4 लिया, इसके सामने वाली कौन सी फ्रैक्शन थी, 4/7 थी, दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ले लिया, ठीक है। उससे इसको मल्टीप्लाई कराया, 7 3 से क्या होता है 21 एंड 7 4 जा 28, एक काम हमारा हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं किया, पहली वाली फ्रैक्शन ली, दोबारा उतारी, सामने वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ले लिया, ऊपर नीचे से दोनों जगह मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई कराने के बाद जो आंसर आया वो हमने एज इट इज़ लिख दिया। दूसरी फ्रैक्शन ली, क्या थी फ्रैक्शन नंबर 2, 4/7, ठीक है। दोबारा से 4/7 को लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया और उसके बाद उसके हमने देखा, अभी हम इस वाली फ्रैक्शन को कंसिडर कर रहे थे तो दूसरी का डिनोमिनेटर लिया था, अब हम इस वाली फ्रैक्शन को कंसिडर कर रहे हैं तो हम डिनोमिनेटर किसका लेंगे, इस वाली का लेंगे, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 4, ठीक है। ये मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ कि मैंने इसमें कौन सा वाला 4 लिया है, डिनोमिनेटर लिया है इसमें मैंने, ठीक है। और इसमें भी मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ कि मैंने दूसरी वाली में कौन सा वाला डिनोमिनेटर लिया था, ठीक है। इसमें मैंने 7 लिया था और यहाँ पे भी यही वाला 7 है, यही वाला 7 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 4 4 आर 16 और 7 4 आर 28, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, क्वेश्चन ये था 3/4, बीच में हमारे पास ब्लैंक है और 4/7, ठीक है। 3/4 का आंसर क्या है हमारे पास, 21/28, ठीक है। बीच में हमने ब्लैंक लगा दी जो हमारे पास थी, और दूसरा हमारे पास क्या था फ्रैक्शन, 4/7, और उसका आंसर हमारे पास क्या है, 16/28, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हमने इस तरीके से लिखा। अब हमें क्या देखना है, अब हम वही करेंगे कि 21 चॉकलेट्स हैं,
ठीक है, और 28 बच्चे हैं, एक जगह 16 चॉकलेट्स हैं, ऊपर वाली हम कह रहे हैं चॉकलेट्स हैं, और नीचे क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है। नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी है, 16 है, और 28 बच्चों में डिवाइड करनी है। यहाँ पर नंबर ऑफ चॉकलेट्स 21 है, और कितने बच्चों में डिवाइड करनी है, 28 बच्चों में। तो कौन सा फ्रैक्शन होगा जिसके तहत बच्चों को बड़े शेयर मिलेगा, 21 वाला, क्योंकि इसके न्यूमिरेटर बड़ा है। ठीक है, तो हम क्रोकोडाइल, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्रोकोडाइल है, सॉरी 4 और 3 और 6 और 8, अब हमें ये देखना है, क्रोकोडाइल हमेशा बड़े नंबर को खाता है, तो बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला, इसी की तरफ मुंह खोलेगा, ग्रेटर का साइन ये वाला होता है। ठीक है, कि ये ग्रेटर है, 4 is greater than 3, इसको पढ़ते इस तरह है, 4 is greater than 3। ठीक है, अब इन दोनों में कौन सा बड़ा वाला है, क्रोकोडाइल किसको खाएगा, 8 को खाएगा। हम किस तरह पढ़ेंगे, 6 is less than 8 या 8 is greater than 6। ठीक है, हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। तो अब बताइए मुझे कि न्यूमरेटर जिसमें बड़ा होगा उसी में बच्चों को शेयर ज़्यादा मिलेगा। इसमें न्यूमरेटर हमारे पास 21 है, इसमें न्यूमरेटर हमारे पास 16 है, तो बड़ा न्यूमरेटर हमारे पास 21 है, तो बच्चों को बड़ा शेयर यहाँ से मिलने वाला है, क्रोकोडाइल यहाँ से खाएगा। तो हमारी ये ब्लैंक जो ऊपर थी वो इजीली सॉल्व हो गई है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा प्रोसेस हम करेंगे रफ में, और हमें ये पता चल जाएगा कि ये इस तरीके से होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम करने थे, हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिए। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको और बता देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। सिक्स अपॉन 15 एंड 3 अपॉन 10, ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम नहीं पता कर सकते, न्यूमरेटर तो वैसे हमें दिख रहा है कि किसका बड़ा है, न्यूमरेटर हमें जो दिख रहा है वो 6 अपॉन 15 में न्यूमरेटर हमें पास बड़ा है, लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर्स सेम करने का क्या तरीका होता है, सही है, फ्रैक्शंस को दो नाम दे दिए, फ्रैक्शन नंबर 1 और ये क्या नाम दे दिया, फ्रैक्शन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करना है हमें, पहली फ्रैक्शन को कंसिडर करेंगे। सबसे पहले पहली फ्रैक्शन को कंसिडर किया, 6 अपॉन 15 इज इक्वल टू, बड़ा सा बार लगाया, 6 अपॉन 15 वैसी का वैसी लिखा, और उसके सामने दूसरी वाली फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उससे इसको मल्टीप्लाई करा दिया, 6 10s are 60 और 15 10s are 150। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी फ्रैक्शन हमने ली, कौन सी थी, फ्रैक्शन नंबर 2, 3 अपॉन 10, इसको हमने कंसिडर किया डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए। ठीक है, 3 अपॉन 10 पहले हमने ये वाली कंसिडर कर रहे थे तो इसको लिखा था, अब हम इस वाली फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन नंबर 2 को कंसिडर कर रहे हैं, तो हम 3 अपॉन 10 यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, और सामने वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, दूसरी वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, 15, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 3s क्या होता है, 45 होता है, और 15 10s दोबारा से 150 होता है। स्टूडेंट्स देखें, दोनों के नीचे के डिनोमिनेटर सेम हो गए, बिल्कुल सेम हो गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिक्स फ्रैक्शन हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 6 अपॉन 15 था, उसका आंसर क्या आया हमारे पास, 60 अपॉन 150 आया, 60 अपॉन 150। ठीक है, बीच में हमारे पास ब्लैंक है, 3 अपॉन 10 था, उसकी जगह उसका आंसर लिख देंगे, वो आंसर क्या आया, 45 अपॉन 150। अब हमें ये देखना है कि डिनोमिनेटर तो हमने सेम कर लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर तो हमारे सेम हो गए, न्यूमरेटर जो बड़ा होगा उसी का शेयर ज़्यादा आता है। हमें ये देखना है कि 150 स्टूडेंट्स हैं और 60 चॉकलेट्स हैं, 60 चॉकलेट्स को 150 स्टूडेंट्स में बांटेंगे तो बच्चों को बड़ा शेयर मिलेगा, या 45 चॉकलेट्स होंगी 150 स्टूडेंट्स में बांटेंगे तो बच्चों को बड़ा शेयर मिलेगा। लाजमी बात है, पहले 45 चॉकलेट्स थी, बच्चों ने बोला नहीं कि कम लग रही हैं, ठीक है टीचर ने थोड़ी और बढ़ा दी, 60 चॉकलेट्स हो गई, तो बच्चे हैप्पी हो गए। और क्रोकोडाइल का मुंह आपको याद होगा हमेशा एक बड़ा शेयर खाता है, तो बड़े की तरफ मुंह खुला हुआ है। ठीक है, कहेंगे 60 अपॉन 150 इज़ ग्रेटर दैन 45 अपॉन 150, या इसको पढ़ने का दूसरा तरीका ये होगा, 45 अपॉन 150 इज़ लेसर दैन 60 अपॉन 150। ठीक है,
स्टूडेंट्स देखेंगे सॉल्व हो गई है। इस तरह की ब्लैंक्स पेपर में आती रहती हैं, टेस्ट में भी आती रहती हैं, और छोटी क्लासेस के बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे रिलेटेड जो भी सवाल होंगे, इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आप करना चाहते हैं तो काइंडली आप ज़रूर कीजिए कॉमेंट्स में, मैं आपको वीडियोज़ बना कर दूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियोज़ ज़रूर देखते रहिए और वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, नमाज की पाबंदी कीजिएगा।